दोस्तों आज के वीडियो में अपन जो मेंटेनेंस की जो प्रणाली होती है, पूरी जो गणित है उसका जो समीकरण बनता है उसको पूरी तरह से समझेंगे, चाहे वो पति के लिए हो चाहे वो पत्नी के लिए हो, दोनों के लिए मैं कंबाइंड में इस वीडियो में बना रहा हूँ। और मेंटेनेंस के जितने भी छोटे छोटे सवाल, जितने लोगों के सवाल आते हैं, हर किसी के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखना, काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज की डेट पे 498 केस यानी डोरी का जो दहेज का केस, चाहे वो डीवी घरेलू हिंसा का केस, इतना भारी नहीं पड़ता, इतना सिर दर्द नहीं बनता जितना मेंटेनेंस का केस हस्बैंड लोगों के लिए सिर दर्द बन जाता है। साथ ही में पत्नियों के लिए भी, पत्नी भी यही चाहती कि मेरे सबसे पहले मेंटेनेंस बन जाए, क्योंकि केस में मुझे किसी न किसी प्रकार से थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाएगा। जी हाँ, देखो दोनों तरफा से मैं मेंटेनेंस के केस के खिलाफ नहीं हूँ, कभी भी ये बात मैं मानता हूँ। कहीं महिलाएं होती है जो इनके वाकई उनको सख्त ज़रूरत होती मेंटेनेंस की, और ये कानून भी उन महिलाओं के लिए बनाया गया था कि जिनको वाकई ज़रूरत होती है, लेकिन आजकल ये कानून बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मिसयूज होता है। जब भी कोई फैमिली विवाद हो जाता है, पति पत्नी के चाहे मैट्रिमोनियल वाले जो कोई भी डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो सबसे पहले मेंटेनेंस का केस ही अप्लाई किया जाता है। कैसे तैसे एंट्री मेंटेनेंस बन जाए, आगे की दिक्कत कोई टेंशन नहीं है, फिर केस कितना ही लंबा चले। पतियों के लिए सिर दर्द इस वजह से बन जाते हैं कि फैमिली केस लंबे चलते रहते हैं और उनको एंट्री मेंटेनेंस देना पड़ता है, तो इस सिचुएशन में कैसे इसकी गणित समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बार बार एक सवाल आता रहता है एंट्री मेंटेनेंस को लेकर। सबसे पहले अपन जो स्टेप आती है, सबसे पहले मान लीजिए आप 498 का केस हुआ, चाहे वो डीवी का केस हुआ, सेक्शन 9 का केस हुआ, किसी भी प्रकार का महिला की तरफ से आप पे कोई केस होता है या पति की तरफ से कोई सेक्शन 9 की वगैरह कोई केस होता है, तो आज की डेट पे 99% जो भी पति है कोशिश करता है कि आप सेक्शन 9 का केस कर रहा है तो उसको उसके बदले 498 केस, डीवी केस और मेंटेनेंस का केस ही मिलता है रिप्लाई में, साथ में पत्नी कभी भी नहीं आती है। आगे की बात करते हैं दोस्तों। मान लीजिए जैसे पत्नी ने इस सिचुएशन में मान लीजिए कोई पहला केस कर दिया, जैसे 498 केस कर दिया, तो अगली जो स्टेप होती है वो मेंटेनेंस के ही आती है। अब यहाँ पे दिक्कत ये क्रिएट हो जाती है कि एंट्री मेंटेनेंस बहुत जल्दी बन जाता है केस में, क्योंकि केस में प्रोसेसिंग बहुत डिले होती है। जैसे आपका 498 केस चल रहा है या डीवी का केस चल रहा है, नोटिस आया उसका रिप्लाई नहीं दिया, उससे पहले कोई भी एंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगा दी जाती है और उस पर सुनवाई जल्दी होकर मेंटेनेंस बन दिया जाता है। बड़ी हैरान की बात है, लोगों को बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है कि साहब जो एंट्री मेंटेनेंस होता है वो बड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैं कहीं ऐसे देखता हूँ जो पत्नियों जो अपना एफिडेविट था उसमें लिख के उन्होंने दिया था कि साहब मैं 15,000 सैलरी कमाता हूँ विद प्रूफ, और उनके 13,000 का कोर्ट मेंटेनेंस बांध देता। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है। देखो 99% में एक बात बोलता हूँ आपको, ये चाहे मानो चाहे मत मानो, लेकिन जो एंट्री मेंटेनेंस होता है वो फैमिली कोर्ट के जो जज साहब होते हैं उनके विवेक के अनुसार ही बनाया जाता है। आपके एफिडेविट आपके एविडेंस देखे नहीं जाते मैक्सिमम, क्योंकि इस वजह से बना दिया जाता है। एंट्री मेंटेनेंस बनाने का एक प्रोसेसिंग होता है जो कोर्ट का, मैं बता देता हूँ आपको। प्रैक्टिकल आपको मैं बताता हूँ कि कोर्ट ये चाहता है कि महिला के पास हो सकता है पैसा है नहीं है, पैसा के एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत के लिए कि केस को सपोर्ट होना चाहिए, साथ में इंसाफ लड़ने के लिए उसको भी सपोर्ट चाहिए उसको किसी न किसी तरह से, और उसका एंट्री मेंटेनेंस। कई बार क्या होता है महिला के पास एक बच्चा दो बच्चा होता है, इस टाइप से होता है, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट हमेशा महिला का एंट्री मेंटेनेंस तो 99% अपने विवेक के अनुसार ही बना देता है। अब यह बात अलग है कि आपका ज़्यादा बन गया कम बन गया, इसके लिए आप अपील में जा सकते हो, रिव्यूजन में जा सकते हो, आप पे डिपेंड करता है वो, लेकिन कोर्ट से तो कहीं पर गलतियां हो जाती है। लॉर कोर्ट से मैं कहीं जगह नोट किया हूँ इस चीज़ को, जिनकी सैलरी 15-20 हज़ार होती है उनके 15-15 हज़ार के बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको ज़्यादा सोक्ड होने की बात नहीं है। यहाँ पे जो फैमिली कोर्ट के जज साहब होते हैं वो यही चीज़ सोचते हैं कि महिला के पास बच्चे हैं, महिला प्रॉब्लम में है, और कहीं ना कहीं आज भी जो एफिडेविट वाला सिस्टम आया है हस्बैंड या वाइफ में, उनमें कहीं कहीं चीज़ें छुपाई जा रही है आज की डेट भी, तो इसी वजह से एंट्री मेंटेनेंस बन जाता है। क्योंकि एंट्री मेंटेनेंस होता है जो आपके जो रनिंग केस चलते हैं तब तक होता है, उसके बाद फाइनल बनता है अलग से, ये बंद हो जाता है। अब इसकी प्रणाली देखो, सबसे पहले मैं अपनाना चाहता हूँ भाई, जिस महिला को सख्त जरूरत है, वाकई आपको भी लगता है कि इस महिला को मेंटेनेंस की सख्त जरूरत है, मेरी पत्नी है मेरा बच्चा है, तो आपको दे देना चाहिए एंट्री मेंटेनेंस, डरना नहीं चाहिए। देखो बच्चों को मेंटेनेंस मिलना चाहिए, बच्चों के अधिकार है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो आप ही के बच्चे हैं, तो मेंटेनेंस अगर कोई वाइफ के पास है बच्चे अच्छे वाकई वो उसके लायक है मेंटेनेंस में, तो आपको डरना नहीं चाहिए, दे देना चाहिए। ठीक है भाई, सेकंड पॉइंट आप पे आते ही मैं बात करता हूँ। लेकिन बिना वजह से कोई ले रहा है तो उस पर मत दीजिए, उस पर स्टे लगा के छोड़ दीजिए, अपील में या रिव्यूजन में ले जाके फाइल को छोड़ दीजिए हमेशा के लिए आप।
क्यों? क्योंकि रनिंग आपके केस चल रही है, जब तक उसका प्रूफ फिर नहीं कर पा रही कि किस वजह से उसे मेंटेनेंस चाहिए, उस चीज़ को समझ नहीं पा रही, तो आप उसको चैलेंज करते रहिए, रिवीजन में डालते रहिए, स्टे पे चले जाइए, तब तक उसका जो और केस होते हैं उनका डिसीजन आपके सामने आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात यहाँ पे करते हैं दोस्तों, मान लीजिए किसी महिला को सख्त जरूरत होती ना, और उसका वाकई जो हकदार है महिला उसकी, तो उसका आप चाहे कितना चैलेंज करो, कुछ भी करो, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट का हो, कहीं भी चले जाओ, वो बंद खत्म नहीं होगा। जिसके पास महिला के पास बात बच्चे हैं, जो पढ़ी लिखी भी है लेकिन जो बिल्कुल ही नहीं की है, तो उसका तो मेंटेनेंस आपको देना ही पड़ेगा हर किसी न किसी कंडीशन में। देखो क्या करते कि वेल एजुकेशन पे एक कानून में बना हुआ है, CRPC आप पढ़ते हो, जो 125 के सबसेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 जिनमें एवरी वन सेक्शन में कोई ना कोई रूल दिया गया, तो सब में ये बताया गया कि अगर वेल एजुकेटेड है आपकी मिसेज, तो राजेश जायसवाल वर्सेस ममता जायसवाल सबसे ज़्यादा इसमें लेड मार जजमेंट है, जबलपुर हाई कोर्ट का, जो मैक्सिमम लोग इसे यूज करते हैं ज़्यादातर, जब वेल एजुकेटेड। अब वेल एजुकेटेड लोग सोच लेते हैं साहब MSc कर रखी है, BSc कर रखी है, देखो यार इस सिचुएशन में कोर्ट नहीं मानते इन चीज़ों को, ठीक है, ये बेसिक एक आपके एजुकेशन है, बेसिक जैसे MBA BTEC ये चीज़ें हो गए, आपको टीचिंग में लाइन में आपका एक्सपीरियंस हो रखा है इन चीज़ों में, इंजीनियरिंग लाइन में है, MBA में आपका बिजनेस कर रखे हो आप लोग, तो ये इन चीज़ों को मान सकता है कहीं ना कहीं, और कहीं फिर भी आपको मैक्सिमम तो आपको कुछ ना कुछ टाइम के लिए तो मेंटेनेंस देना ही पड़ता है। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। आगे चल के ये बात आती थी, अगर प्रॉपरली आप जॉब करते हो, हस्बैंड या वाइफ पर आपका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, प्रॉपरली नहीं है, तो भी आपको मेंटेनेंस से बच सकते हो, अन्यथा आप मेंटेनेंस से बच नहीं पाओगी। 99% हस्बैंड को मेंटेनेंस देना ही पड़ जाता है, क्योंकि चाहे जैसे कहीं डिफरेंट होता है कि आपकी वाइफ 10,000 कमा रही है, आपका पेमेंट 50,000 60,000 17,000 है, तो भी आपको 2-5,000 रुपये तो देना ही पड़ जाता है उस सिचुएशन में। ऐसी बात नहीं आप अपील भी करो कुछ भी करो, लेकिन फिर भी आपको देना ही पड़ जाता है उस सिचुएशन में। अब आपको यहाँ पे मैं एक तरीका बता देता हूँ मेंटेनेंस से बचने का, आप कैसे बच सकते हो कैसे नहीं बच सकते हो, इसका मैं तरीका बता देता हूँ। जब भी आप एफिडेविट देते हो ना दोस्तों, तो सबसे पहले आप ये चीरी ब्यौरा आपको जो डिपेंडिंग पर्सन है इन चीज़ों को पूरा लिखा करो आपसे, जैसे आप पे डिपेंडिंग आपके माता पिता है, आपके भाई की शादी है, आपके भाई आपके साथ रह रहा है, जॉइंट फैमिली आपकी बहनों की सिस्टर की जिम्मेदारी है, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी, हर किसी की जिम्मेदारी होती है, इन बायोडाटा को आप पूरी डिटेल में लिखा करो। अगर आपका ओल्ड लोन चल रहा है किसी भी न्यू, जब केस रनिंग पे हुआ है उस टाइम अगर आपने लोन लिया तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला, ये माइंड में एक बात फिट कर लेना। लेकिन अगर आपका पुराना लोन वगैरह चल रहा है तो इन चीज़ों को आपको जैसे 5 साल 2 साल पहले के हाउस लोन वगैरह जो भी चल रहे, इन सब डिटेलों को आप एफिडेविट में विद प्रूफ के साथ आप अपनाइए कि मेरी बहन की इतनी तो फीस जाती है, मेरा भाई की इतनी, मेरे माता पिता का ये है, मेडिसिन खर्चा ये, डिपेंडिंग मेरे पे ही सब कुछ परिवार है, जो भी आप डिपेंडिंग है उनको पूरा लिखने के बाद फिर आपका जो सेविंग बचता है जो भी, उसमें से फिर आप डिवाइड 20% या 25% करके कोर्ट दे देता है हमेशा। महिला भी इसी तरह से एफिडेविट में दिया करो हमेशा कि बच्चे का क्या खर्चा है, मेरा क्या खर्चा है, मैं क्या नहीं कर रही, किस चीज़ से मेरी एजुकेशन भी कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, इन चीज़ के लिए महिला को भी एफिडेविट में पूरी बायोडाटा देना चाहिए एक्सप्लेन के साथ। आपको एक कारण प्रॉपरली होना चाहिए आपके पास, रीजन होना चाहिए, कन्विंस करना चाहिए, जो आपका एफिडेविट जा रहा है वह प्रॉपरली होना चाहिए, मतलब एक जज साहब प्रॉपरली उसे एग्री होना चाहिए कि हाँ ये खर्चा इसने देना है, इसका खर्चा इतना हो रहा है या इसका खर्चे की इतनी ज़रूरत है। ये चीज़ें आप पूरी गलती कभी नहीं करोगे, प्रॉपरली आप बैठ के इन चीज़ों को रखोगे तो आप मेंटेनेंस चीज़ों से बच सकते हो। साथ में आपको जल्दी से जल्दी केस खत्म करना होता है मान लीजिए, तो उसके लिए आपको रिव्यूजन में, अपील में और स्टे पे तीनों प्रोसेसिंग आपको अपनाना ही पड़ेगा, तब तक आपके दूसरे केस कहीं ना कहीं से सेटलमेंट की तरफ आ ही जाएंगे, खत्म के अप्रोचिंग आ जाएंगे, तब तक आपको इन चीज़ों से आप बच सकते हो। अन्यथा एक बार कोर्ट से ऑर्डर बन गया, एक बार आपका ऑर्डर बन चुका है कोर्ट से, तो उसके बाद आपका जो एरियस बनता है वो पूरा देना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो आप 1 महीने की जेल के लिए जा सकते हो अंदर। अब आगे की बात करते हैं कि डेट ऑफ एप्लीकेशन या डेट ऑफ ऑर्डर से लगता है, तो देखो आपको पता रजनीश वाला जो सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया था, रूलिंग आई थी वहाँ पे, तो वहाँ के बाद सबको पूरा क्लियरली पता होगा दोस्तों कि आपको डेट ऑफ एप्लीकेशन से, भले ही वो पुराना 2020 के बाद जब से जजमेंट आया उसके बाद से ही भले वो आपका एप्लीकेशन लगा हुआ हो, तो भी आपको डेट ऑफ एप्लीकेशन से देना ही पड़ेगा, और जो एरियस होता है उसको आप पूरा कंप्लीटेड देना पड़ेगा, या तो आप एरियस जमा करा दीजिए अच्छी बात है, इसके या डिवाइडेड करा लीजिए कोर्ट से कि इन किस्तों में मैं दे दूंगा, 4-5 किस्त 10 किस्त, तो जो भी होगी कोर्ट पर डिपेंड करेगा, वो आपके अनुसार करेगा कि इनका एरियस इतना बन गया, तो देखो एरियस में आपको रिलीफ दे देता है कोर्ट, कहीं पर दे देता है, बट ये रिलीफ कहाँ मिलेगा आपको, हाई कोर्ट में मिलेगा, लोअर कोर्ट में आपको हमेशा, फैमिली कोर्ट में हमेशा आपको डिवाइड मिलेगा, किस्तें बना देगा AMI की तरह बना देगा आपके एरियस का, लेकिन आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ लेना आपको एरियस के मामले में तो आपको हाई कोर्ट जाना ही पड़ेगा हमेशा।
या फिर जब भी आपका ऑर्डर होता है तो आप स्टे पे लगा दीजिए या रिव्यूजन में चले जाए, कम से कम आप एरियस वगैरह चीज़ें तो नहीं बने, लेकिन उन चीज़ों से तो आप बचते रहोगे ना हमेशा। तो ये चीज़ें होती दोस्तों, मेंटेनेंस बन जाता है मैक्सिमम जगह। और मैक्सिमम आप एक ही पॉइंट याद रखिए, आप कहते हो कि बिना कारण से चली गई तो भी कोर्ट बना देता है, एंट्री मेंटेनेंस तो बना ही देता है 99%। आप कितना प्रयास कर लो कहीं लोगों को बने होंगे, इस चीज़ पर आप सोच लीजिए। ठीक है, मैंने सेक्शन 9 एक्सपायर्ड भी हो गया तो सेक्शन 9 आपका अलग है, क्रिमिनल उसने केस कर रखा तो भी आपका मेंटेनेंस बन जाता है, उसका भी कोई बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। इस वजह से आप उन पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, आप ये दिमाग लगाए कि उसको आगे जाके कैसे रोका जाए, कैसे स्टे कैसे रिव्यूजन पे जाए, और जो अदर केस है उनको जल्दी से जल्दी ख़त्म कैसे करें, उसकी प्रणाली आप अपनाइए। मेंटेनेंस का केस आप पे भारी पड़ता है, पतियों पे भारी पड़ता है, और महिलाओं को हमेशा सहयोग देता रहता है। तो आई होप दोस्तों जो डाउट थे आपके, कन्फ्यूज थे, इस वीडियो में पूरी डिटेल में क्लियर कर दिया। फिर भी आपके जितने सवाल और आएंगे इस वीडियो के नीचे तो मैं उस पर और अलग से पार्ट बना के वीडियो बना दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।